जय हिंद दोस्तों, शॉर्ट हैंड रिसर्च सेंटर चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम शब्दचिन्ह पढ़ेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं शब्दचिन्ह कहते किसको हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, पहला मैंने समय बचाने के लिए लिख दिया है, ऐसे शब्द जो प्रायः हर वाक्य में प्रयोग हों। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो आप कोई भी वाक्य लिखें उसमें प्रयोग आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे का हो गया, को हो गया, है, हो, ठीक, इसी प्रकार से की हैं, हूं, को, इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जो प्रायः हर वाक्य में प्रयोग हों। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में इन शब्दों के लिए, जैसे अभी आप के है तो के लिए क बनाते हैं, फिर ए की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, की है तो क बनाते हैं, बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से लंबे लंबे, जैसे जिस प्रकार से शॉर्ट हैंड में शब्द निर्धारण करने के लिए चिन्ह दिए गए हैं उसी प्रकार से आप लिखते हैं। ठीक है, तो समय को बचाने के लिए एक चिन्ह का निर्धारण कर दिया गया है छोटा सा, तो उसी को, जैसे कोई भी शब्द का एक छोटा सा चिन्ह जो निर्धारित किया गया है, ठीक है, उसी को हम शब्द चिन्ह कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, उच्च गति लेखन में लगभग 50% का योगदान। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब आप स्पीड अपनी बढ़ाएंगे तो आपके स्पीड को बढ़ाने में मदद क्या करता है, यही शब्द चिन्ह। ठीक है, पहले तो आप पूरा पूरा शब्द लिखते थे, मात्रा लगाते थे, तब एक शब्द तैयार होता था। अब आप क्या करेंगे कि कुछ कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हर वाक्यों में बराबर प्रयोग किए जाते हों, उनका एक छोटा छोटा शब्द चिन्ह रहेगा, उसको आप जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखिए, लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे। ठीक है, तो जैसे कोई भी शब्द चिन्ह है, जैसे देखिए की है, है ना, इसी प्रकार से कई आगे आने वाले शब्द चिन्ह रहेंगे, हैं, उनमें बताएंगे आपको लिंग और वचन, उसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जैसे कोई भी वाक्य है वो अगर बहुवचन में है तो उसका जो कोई भी एक शब्द चिन्ह दिया जाएगा किसी भी शब्द का, वो बहुवचन में भी वही प्रयोग होगा और एक वचन में भी वही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे आने वाले शब्द चिन्हों में हम देखेंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए कि कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पहला शब्द देखिए, यहाँ पहला शब्द है एक, तो एक के लिए जैसे आप टाइपिंग करते होंगे तो एक फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार से फुल स्टॉप की तरह एक डॉट दोनों लाइन के मध्य में, ये क्या हो गया आपका एक। और इसी प्रकार से अगर दो को लिखना है तो ये जो डॉट आपने इस लाइन के बीचों बीच में लिखा है ना, यही नीचे लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये दो हो गया। इसी प्रकार से आप अगला देखिए, जैसे देखिए यहां लिखा है ऊपर, पे, पर, यहां पे देखिए तीन शब्द हैं। अब तीन शब्द का एक ही शब्द चिन्ह है, एक शब्द चिन्ह क्या है, ये छोटा सा इस प्रकार से लाइन खींच देंगे सीधा, जैसे आप ट व्यंजन बनाते हैं, ट व्यंजन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ट व्यंजन का एक छोटा सा हिस्सा, ऊपर से एक छोटा सा हिस्सा लेकर के यहां पे बनाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ऊपर, पे, पर। अब देखिए यहां पे तीन शब्द हैं, लेकिन आप जब एक वाक्य पढ़ेंगे तो उस वाक्य के हिसाब से, जब ये जैसे आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, शॉर्ट हैंड पहले कुछ शब्द लिखे हैं आपने, उसके बाद में बीच में आपने ये लाइन लिखा है, तो इस लाइन का तो मतलब यही हो गया ना, ऊपर, पे, पर। तो आप कैसे समझेंगे, आप वाक्य के हिसाब से समझेंगे कि यहां ऊपर आएगा कि पे आएगा कि पर आएगा। ठीक है, तो आप वाक्यों के हिसाब से भी इसको समझेंगे। अब देखिए अगला है में, यही जो आपने यहां पे शब्द चिन्ह बनाया ना, यहां इससे हो गया ऊपर, पेपर, इसी को अगर आप, ये लाइन के बीच में है, इसी को आप लाइन पे अगर कर दें इस प्रकार से बना देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे है और हो, है और हो को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे आने वाला है जो है, इस प्रकार से, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता ना, ये है,
अब इसी को छोटा सा एक छोटे से संकेत के रूप में इस प्रकार से ले लिया गया शब्द चिन्ह के रूप में, ये क्या हो गया आपका है और हो। इसमें देखिए ना मात्रा लगाने की जरूरत है ना कुछ, छोटा सा बना देंगे तो ये किस प्रकार से समझेंगे, वाक्यांशों के हिसाब से। अब वाक्यांश जब पढ़ेंगे पूरा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये सब चिन्ह जो आया हुआ है वो है का है या हो का है, ठीक है, अनुवाद करने में आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए है हूं, ठीक है, वो पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता है नहीं ना होगा, मैं पढ़ता हूं होगा और वो पढ़ते हैं होगा, तो इन दोनों का शब्द चिन्ह एक है इस प्रकार से। यही जो आपने लाइन के बीच में बनाया वही ये ना लाइन पे आ गया, तो क्या हो गया हैं और हूं हो गया, ठीक। आप वाक्यांश के हिसाब से पढ़ लेंगे कि यहां कौन सा शब्द आया है। अब देखिए यहां पे आया है का के लिए देखिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिस प्रकार से आप प व्यंजन बनाते हैं ना, प व्यंजन इस प्रकार से आप प बनाते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहां से काट के इस प्रकार से आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा का लाइन के बीच में, यही लाइन के बीच में जो लिखा है वही पे लाइन पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा को। यहां पे देखिए लाइन के बीच में का हो गया, लाइन पे को हो गया, की। अब देखिए ये इस साइड में अपने लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, अब इसी को राइट साइड में झुकाएंगे, ये क्या हो गया की और की का। अब यहां पे वाक्यांश के हिसाब से जो वाक्य दिया रहेगा आप लिखेंगे उसके हिसाब से समझेंगे कि यहां पे ये शब्द चिन्ह किसका है, की है या की है, ठीक है। आप जब वाक्यों को पढ़ते होंगे तो पढ़ने में समझ में आता होगा कि यहाँ पे छोटी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा या बड़ी की मात्रा है। अब यही चिन्ह अगर लाइन पे बना देंगे तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए के हो गया, ये आपका शब्द चिन्ह जिस प्रकार से बुक में दिया हुआ है उस प्रकार से कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी देखिए आप जब आगे लिखेंगे पढ़ने लगेंगे और जब हाई स्पीड पे आप जब लिखेंगे 80 शब्द 100 शब्द पर मिनट के हिसाब से तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होनी लाजमी है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कंफ्यूजन होगा लेकिन वाक्यांश के हिसाब से आप रखेंगे उसको तो पढ़ने में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गति में अवरोध ना हो और लिखावट में भी ना अवरोध हो और अनुवाद में भी अवरोध ना हो तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अंतर कर सकते हैं। अगर आप अंतर कर देंगे तो पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक बार पढ़ेंगे एक एक, कई कई लोग ऐसे हैं जो एक एक शब्द पढ़ते जाएंगे और टाइप करते जाएंगे, ठीक है, तो उस प्रकार से आप करने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग कर सकते हैं जिससे आपको अनुवाद करने में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो शब्द चिन्ह बुक में दिए हुए हैं उसको आप अपने अनुसार थोड़ा सा चेंजेस ला दें, ठीक है। जैसे मे है, ये मे का शब्द चिन्ह है ना, अब इसी प्रकार से आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से और कई शब्द चिन्ह हैं, ठीक है, जैसे का है को का है, तो आगे आने वाले शब्द चिन्हों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो उसको उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो उनको अपना लें। अगर दिक्कत महसूस हो रही है, अगर नहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो जैसे लिखा है वैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे मे है तो मे के लिए छोटा सा यू, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, यू, जैसे यू आप बनाते हैं ना इस प्रकार से यू हो गया इंग्लिश का वर्ड। इसी को अगर आप छोटा कर दें इस प्रकार से तो क्या हो गया मे, ठीक है, इसी प्रकार से
मे हो जाएगा इस प्रकार से, ये मे का सब चिन्ह हो गया। अब यहां देखिए है और हो है, तो है और हो को भी अलग कर दीजिए। है के लिए तो ये चिन्ह आपका हो गया एक, जो यहां दो दो शब्द दिए गए ना, एक शब्द को इसी प्रकार से ले लीजिए, और हो के लिए ये जो लाइन पे, इसी को लाइन पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी चिन्ह को लाइन पे रख देंगे तो हो जाएगा। यहां है हो गया, यहां हो गया, दोनों अंतर हो गया। अब है और हूं को देखिए, जैसे यहां पे देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना, कि जैसे आप तेजी में जब लिखेंगे, हाई स्पीड पे जब लिखेंगे, तो यहां पे कभी कभी ये होता है कि लाइन पे ना बन के लाइन के ऊपर बन गया, तो आप उसको है पढ़ोगे या हो पढ़ोगे, ठीक है। तो उसी को दूर करने के लिए यहां पे हा शब्द ऊपर से आने वाले रेखा से बनता है, जानते हैं आप, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ भी तो जाने वाली रेखा से है बनता है। तो आप हैं और हूं को आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या हो गया आपका, हैं हो गया, और इसी को अगर लाइन पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हूं हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अलग हो गया आपका, है हो लाइन के बीच में, है हो गया लाइन पे हो गया तो हो गया। अब हैं और हूं को नीचे से ऊपर की तरफ जो है जाता है उसी को छोटा कर देंगे, लाइन के बीच में है हो गया और लाइन पे क्या हो गया, हूं हो गया, ठीक है, इतना पर्याप्त है। इसी चेंजेस के साथ अगर आप लिखेंगे और अनुवाद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना के बराबर होगी, आप जल्दी जल्दी अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये शब्द चिन्ह समाप्त हो गया, आशा आप इसे समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।